अस्सलाम वालेकुम क्लास, आई एम योर स्टैट टीचर, होप यू आर फाइन। आज जो है हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं, रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, उनको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन 30 स्टैंडर्ड डेविएशन इज 6, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल आई इज बिटवीन 25.4 एंड 34.6, द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल इज मोर देन 35। फर्स्ट में क्या करना है कि बिटवीन वाला आपका है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 25.4 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 34.6, ये फाइंड करनी है। और सेकंड में करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 35। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे, म्यू आपके पास 30 है, सिग्मा आपके पास 6 है, आपने ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, जी निकालेंगे। तो आपके पास क्या है, जी वन निकलेगा एक्स वन माइनस म्यू ओवर सिग्मा। एक्स वन क्या है, 25.4 माइनस 30 ओवर 6, माइनस करेंगे डिवाइड करेंगे तो आपका जी वन माइनस 0.77 निकल आएगा। जी टू का निकलेगा एक्स टू माइनस म्यू ओवर सिग्मा। एक्स टू क्या है, 34.6 माइनस 30 ओवर 6, ठीक है, इनको माइनस करेंगे, 6 पे डिवाइड करेंगे, 0.77 आपका आंसर आ जाएगा। ये आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का है कर्व, ठीक है, और ये जो लाइन है ये आपके पास स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन आपके पास 30 है, तो इसके 25 जो है हम 25.4 इस साइड पे लेंगे, और जो है 30 के अबव क्या है, 34.6 लेंगे। जीरो से लेस क्या होगा, माइनस 0.77 होगा, और अबव क्या होगा, 0.77 होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस 0.77 लेस देन इक्वल टू जी लेस देन इक्वल टू जीरो लेस देन इक्वल टू 0.77, ये फाइंड आपने करनी है। तो इसको क्या करेंगे, हम इसको कंबाइन कर लेंगे, क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 25.4 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल 34.6 इक्वल है प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस 0.77 लेस देन इक्वल टू जी लेस देन इक्वल टू जीरो, प्लस क्या करना है, इधर तक आप उसको प्लस करके फिर क्या करेंगे, इधर से स्टार्ट करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो लेस देन इक्वल टू जी लेस देन इक्वल टू 0.77। ठीक है, अब क्या करना है, आपने टेबल में देखना है कि 0.7 को 0.07 में, और जीरो इधर भी आपने क्या करना है, 0.7 को 0.07 में देखना है। ठीक है, तो ये आपके पास सेम आएंगे, टेबल में आपने ये वैल्यूज देखे, इनको प्लस कर लेंगे, आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, इसी तरह आपने क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन क्या है, 35। तो क्या है आपके पास, एक्स जी इक्वल है एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा, 35 माइनस 30 ओवर 6, डिवाइड करेंगे 0.83, आपके पास जी की वैल्यू आ गई। 30 है तो इधर 35 आपका इस साइड पे आएगा, ठीक है, किसके, पॉजिटिव इन्फिनिटी वाली साइड पे आएगा। ठीक है, तो इससे क्या लेना है, आपने ग्रेटर वाला एरिया लेना है, कौन सा, 35 से एक्स क्या है, 35 से ग्रेटर है, तो आप कौन सा एरिया शेड करेंगे, ये वाला। ठीक है, और जीरो ये है, और 0.5 आपका 35 के बिल्कुल नीचे आएगा। ठीक है, तो आपने क्या फाइंड करना है, पूरी जो है ये इधर से लेके इस साइड तक का एरिया आपके पास 0.5 है, इसमें से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो लेस देन इक्वल टू जी लेस देन इक्वल टू 0.5 वाला एरिया माइनस कर देंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, माइनस इसका क्या है 0.83, ये मिस्टेक है, इसको देख लीजिएगा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, 0.83। अब क्या करेंगे, 0.83 को हम 8 को हमने देखना है 0.33 में, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0.2967 आ जाएगा। ठीक है, 0.5 माइनस 0.2967 जब माइनस करेंगे 0.2033 आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन म्यू इक्वल 20 सिग्मा 4 है, व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ द केसेस विल फॉल बिटवीन 16 एंड 28, द एरिया ऑफ नॉर्मल कर्व लाइंग बिटवीन मीन एंड मीन प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन इज 34.134। ये इसकी प्रॉपर्टी में है, ठीक है, ये प्रॉपर्टीज जो मैंने आपको पढ़ाई थी ये उसमें ये वाला दिया हुआ कि मीन म्यू प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन इज 34.135% ऑफ द टोटल एरिया अंडर द कर्व दैट लाइंग बिटवीन मीन एंड मीन प्लस टू स्टैंडर्ड डेविएशन इज 47.725। ठीक है, आपने ये वाला एरिया उसने वो बताया हुआ है। ठीक है, तो आपने क्या कर लेना है, 16 म्यू इक्वल है 20 के सिग्मा आपके पास है 4। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 16 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 28। ठीक है, इसका भी जी वन निकाल लेंगे, जी टू निकाल लेंगे, 16 20 28। ठीक है, तो माइनस वन आया आपका जी वन, और इसका क्या है, 2 आया। ठीक है, तो ये एरिया आपके पास शेड हो रहा है, सेम जैसे मैंने पहला क्वेश्चन करवाया उसी की तरह आपने इसका एरिया फाइंड कर लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, द स्कोर्स बेड बाय कैंडिडेट इन अ सर्टेन टेस्ट आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 500 स्टैंडर्ड डेविएशन 100, व्हाट परसेंटेज ऑफ द कैंडिडेट रिसीव स्कोर्स ग्रेटर देन 700 व्हिच डिफर फ्रॉम मीन मोर देन 150।
अब क्या करना है कि मील क्या है कि मोर देन 1 3 फर्स्ट जो है ग्रेटर देन 700 पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं। म्यू इक्वल है 500 और सिग्मा इक्वल है 100 के, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 700 ये आपने फाइंड करनी है। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे कि जो है आपका एक्स जी इक्वल है एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा इक्वल है 700 माइनस 500 ओवर 100, तो आपका क्या निकल आया 2z निकल आया। ठीक है, 500 और ये 700 इस साइड पे आया, जब इससे ग्रेटर वाला होगा तो ये वही 0.5 में से हम अपना एरिया जो है जीरो माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो लेस देन इक्वल टू जी लेस देन इक्वल टू 2 वाला एरिया का कर देंगे माइनस कर देंगे। ठीक है, इसकी टेबल में 2.0 को 0.0 में देखेंगे, टेबल की वैल्यू देखेंगे तो 0.5 माइनस 0.4772 माइनस कर देंगे। इसी तरह उसने कहा है कि क्वेश्चन नंबर जो है इसका बी पार्ट है, उसने कहा है विच डिफर फ्रॉम मीन बाय मोर देन 150। ठीक है, तो अब इसमें क्या है 500 है मीन आपका। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे 150 को इस साइड पे माइनस कर देंगे और जो है प्लस वाली साइड पे उसमें क्या जो आपकी ग्रेटर वाली साइड है उसमें प्लस कर देंगे। ठीक है, एक दफ़ा माइनस करेंगे 150 को और एक दफ़ा क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 350 ग्रेटर देन है एक्स से ग्रेटर देन है 650 से। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 350 ग्रेटर देन है एक्स से ग्रेटर देन 650 से, तो क्या आएगा z1 इक्वल है एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा 350 माइनस 500 ओवर 100 माइनस 1.5 और इधर क्या आएगा z2 1.5। अब 350 है, 500 है और क्या है 650 है, 650 से भी ग्रेटर है और x क्या है 350 से लेस है, x 650 से ग्रेटर है और 350 से लेस है, तो अब आपके पास कौन सा एरिया आ गया इस साइड वाला और इस साइड वाला माइनस 1.5 और सेंटर में क्या है 0 है और 1.5। ठीक है, अब इधर क्या करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 350 ग्रेटर देन है एक्स से ग्रेटर देन 650, प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस 1.5 ग्रेटर देन है जी से और ग्रेटर देन क्या है 1.5। ये क्या कह रहा है कि जी छोटा है माइनस 1.5 से और जी बड़ा है 1.5 से। ठीक है, जैसे ये एरिया, ये छोटे वाला एरिया ये है और बड़े वाला एरिया आपके पास ये है। अब आपके पास ये मुख्तलिफ एरियाज आ गए हैं। ठीक है, ये वाला और ये वाला पहले हम क्या करते थे प्लस कर लेते थे या टोटल एरिया में से फाइंड उसको क्या करते थे माइनस कर देते थे। अब हमने क्या करना पूरा एरिया जो है ना आपके पास जो ये एरिया क्या होता है टोटल एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व इज इक्वल टू 1, तो 1 में से हम ये वाला एरिया जो है इसको माइनस करेंगे। ठीक है, पहले हम 0.5 में से करते थे, अब हमने क्या करना है 1 में से करना है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस 1.5 लेस देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 लेस देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1.5। ठीक है, तो क्या करेंगे 1.5 को 0 में देखेंगे 0.4332 आ जाएगा और 1.5 को 0 में देखेंगे 0.4332 आ जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे 1 में से माइनस करेंगे तो आपका एरिया निकल आएगा। नेक्स्ट है एन एवरेज सॉफ्ट ड्रिंक इन ए कप इज 200 ml विद सर्टेन डेविएशन 15 ml, द अमाउंट ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द कप विल कंटेन मोर देन 240 ml, वट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कप विल कंटेन बिटवीन 191 एंड 209 ml। म्यू आपके पास 200 है, सिग्मा आपके पास 15 है, म्यू इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन है 240। ठीक है, ये फाइंड करना है और दूसरा करना है बिटवीन वाला आपने फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी 191 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल 209। ये जो क्वेश्चन है ये सेम क्वेश्चन है बेटे, जैसे मैंने आपको पिछले सारे क्वेश्चन करवाए हैं उनकी तरह ये सेम क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपने खुद करना है, अगर इसमें कोई किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम होगी आप मुझसे जो है अपनी जूम लाइव क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सपोज दैट वेट ऑफ 2000 मेल स्टूडेंट्स आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 150 पाउंड्स एंड वेरियंस 400 पाउंड्स, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विद वेट लेस देन और इक्वल टू 140 पाउंड्स बिटवीन 120 एंड 240 पाउंड्स। ये भी आपका बिल्कुल जो है क्वेश्चन उसी की तरह है, लेकिन इसमें क्या कर देना है हमने इसको n से मल्टीप्लाई करना है। जो आपको कैपिटल n दिया हुआ है नॉर्मल फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो था आपका शॉर्ट क्वेश्चन उसमें दिया हुआ था कि अगर आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जो इक्वेशन है उसको n से डिवाइड n से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आपके पास क्या होता है नॉर्मल फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाती है।
तो इसमें भी यही है कि आपने बिल्कुल उसी तरह फाइंड करना है जैसे मैंने आपको बताया, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन सोल्व करना है कि इसका जी निकालना है। अगर बिटवीन वाले हैं तो उसमें जी वन जी टू दोनों निकलेंगे, ठीक है। तो लेकिन आपने क्या करना है कि साथ में एन जो है इसको प्रोबेबिलिटी के साथ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे आपके पास ये दिया हुआ है, जी भी हमने इसमें निकाला है क्वेश्चन नंबर 2,